खरगोन जिला मुख्यालय पर पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के बैनर तले पेंशनर्स कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में पेंशनर्स के लिए एरियर, चिकित्सा क्षतिपूर्ति भत्ता, पेंशन और 80 वर्ष की आयु में पेंशन की राशि का 20% बढ़ाने की बात कही गई थी, जो अभी तक लागू नहीं की गई। इसी को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के जिला अध्यक्ष मोजीलाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। चुनाव के समय में पेंशनर एसोसिएशन को जो वचन पत्र में कहा गया था, जो मांगे रखी गई थी, उन्होंने जो कहा कि हम वचन पत्र में तुम्हारी मांगे ले रहे हैं, ये हमको चुनाव जीतने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। सरकार बनने के बाद भी आज तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। क्या मांगे हैं आपकी? 27 महीने का एरियर, सातवें वेतन मान का एरियर, 1000 रूपए मेडिकल भत्ता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोजीलाल गुर्जर, जिला अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन खरगोन। दतिया जिले के सेवड़ा